बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान पाक में फरमाया गया है, जो औरत तुम्हें पसंद है इसे निकाह कर लो। मर्द का करदार। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके करदार की खुशबू पाकर खुद औरत अजहारे मोहब्बत करे। सफ़ेद लबास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो कि ये ज़्यादा पकीज़ा और उमदा लबास है। कब्र की सख्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई और भयानक मंजर नहीं देखा। या अल्लाह, कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। बापर्दा औरत। बापर्दा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शौहर का फख्र होती है। हम सफ़र। ज़िंदगी मेहरबान और खूबसूरत लगती है जब हम सफ़र खैरख्वाह और एहसास करने वाला हो। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। औरत की बर्बादी। औरत की बर्बादी का वक़्त तब शुरू होता है जब इसे मुख्तलफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। खाला जान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाला माँ की जगह होती है। मियाँ बीवी। एक बीवी के लिए उसका शोहर कुल कायनात है। ताकतवर औरत। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। शोहर मोहब्बत और एहसास करने वाला शोहर अल्लाह पाक की खास रहमत है। निकाह। निकाह अल्लाह का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता है। नानी घर। नानी का घर दुनिया का वह घर है जहां अपने घर से ज़्यादा मज़ा आता है। माँ। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। बाप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया, बाप जन्नत का दरवाज़ा है।